हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर और आशा करूँगा कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे, जो बचे हुए 50 क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आपके ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरफोबिया, या मायोफिया, या कैटारेक्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है मायोपिया, वह मायोपिया से पीड़ित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? आपके जो ऑप्शन है वह है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, वह होगा प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है उन्नतोदर, जो कॉन्वेक्स, नतोदर, जो कॉनकेव, वर्तुलाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो कॉनकेव होगा, कॉनकेव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को किसकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, या 14 फरवरी। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो 21 जून है उसको सबसे छोटी छाया दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? आपके ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या द्विफोकसी लेंस। जो आपके आंसर होगा इसका वह होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विद्युत चालक है? जो आपके ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, या चांदी। तो इसका आप राइट आंसर होगा वह होगा चांदी। तो चांदी है आपके सबसे सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक है। उसके बाद तांबा, उसके बाद होगी एल्यूमिनियम, और उसके बाद होगी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है केल्विन, मोल, कैंडिला, या अर्ग। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अर्ग। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट अर्ग में मापी जाती है, जो ऑप्शन के अनुसार है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? जो आपके ऑप्शन है प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा वोल्ट वोल्टता, दोनों। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह धारा और वोल्टता दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आपके ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड, या टंगस्टन। जो इसका आंसर होगा वह होगा टंगस्टन। जो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है यह भी बार बार पूछा जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा, एक जो नाइट्रोजन गैस होती है वह भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ग्राम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या आइंस्टीन। जो आपके राइट आंसर होगा वह होगा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होगा? 260
120 केल्विन, 273 केल्विन, 6500 केल्विन या 9000 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 6500 केल्विन होगा। और याद रखना बल्ब के जो जो बल्ब में एक और गैस होती है जो आर्गन गैस होती है, आर्गन वह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से निम्न की बनी होती है, क्या कैल्शियम की बनी होती है या कार्बन, सिलिकॉन या जिरकॉन। जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन की अर्धचालक चिप बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युतिक प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अतिचालक, अर्धचालक या चालक या रोधी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अर्धचालक अर्धचालक होता है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिक अवक्षेपित का उपयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है रासायनिक प्रदूषक या रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो वायु प्रदूषक को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। आपके ऑप्शन है लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। आपके ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा दक्षिण से उत्तर, जो दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। आपके ऑप्शन है दो, चार, छः या आठ। इसका राइट आंसर होगा वह होगा चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं में प्रोटीनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाता है। समद्वयविक, समन्वयी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा यूरेनियम विधि। कार्बन डेटिंग अपने जो चट्टान होती है उसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। आपके ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जर्मेनियम, जर्मेनियम को अर्धचालक के
के ट्रांजिस्टर के उपयोग में भी उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? आपके ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युतिक प्रभाव या रोधोष्म विद्युत चुंबकन। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जो अति चालकता होती है उसके कारण न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अब देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की? जो आपके ऑप्शन है न्यूटन, राइट ब्रदर्स या गैलीलियो या आर्कमिडीज ने दिया था। तो इसका आंसर होगा वह होगा आर्कमिडीज ने दिया था। जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जो आपके पानी के अंदर जो जहाज़ें चलती है तो उसके जो फ्लोटिंग जो तैरती है तो उसके फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्कमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? यानी कि जो अभी हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हेमी डेवी या ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मीटर का, डीप सर्कल का या हाइड्रोमीटर का या स्टेथोस्कोप का। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो आपकी धड़कने को मापने का, जो धड़कने सुनने का उपकरण है वो है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉक्टरों के गले में जो यंत्र होता है, ऐसा एक यंत्र होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ग्लेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सोनार, सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डूबते हुए सिक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ते हुए सिक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्टेथोस्कोप। जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा स्टेबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो एक्स किरणें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु समयांतराल लो को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है जो पल्सर, क्वार्ट्स घड़ी, परमाणु घड़ी या श्वेत वामन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो परमाणु घड़ी होती है उसे सही सही मापने में उपयोग किया जाता है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्या आपकी वाट है या डायोप्टर है या ऑप्टर है या मीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा डायोप्टर, जो डायोप्टर से आपकी लेंस की क्षमता मापी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो आपके ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा द्रव्यमान, यह व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आपके ऑप्शन है बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बल, जो बल है वह न्यूटन मीटर इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? आपके ऑप्शन है 36 से 60 डिग्री के कोण पर, 36 से 45 डिग्री के कोण पर, या 36 से 30 डिग्री का कोण पर, या 36 से 15 डिग्री के कोण पर। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए, जिसे वह अधिकतम दूरी तय करेगी, जो परवलयाकार में अधिकतम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपके ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फेरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड ताप का दोनों होता है? तो आपके ऑप्शन है -6.7 फेरेनहाइट, -12.3 फेरेनहाइट, या 135 फेरेनहाइट, या 160 फेरेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 160 फेरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें सेल्सियस में पूछा जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापकरण 300 केल्विन के बराबर है? आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 27 डिग्री, 300 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 27 डिग्री सेल्सियस है वह होगा। अगर इसमें कमरे का तापमान पूछे, तो 310 केल्विन हो, तब अगर जो कमरे का तापमान है वह मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखण के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है रडार, सोनार, पुकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो राइट आंसर होगा वह होगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैविक पद्धति में प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सोनोग्राफी में प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलय दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है, जो आगे की जो कॉनकेव है उसमें किया जाता है, जो सभी यानी कि सभी जो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी? तो समतल दर्पणों के बीच में रखेंगे तो उसकी संख्या अनंत होगी, अनंत होगी। कल भी आपको बताया था कि जितना जो डिग्री कोण पर होगा तो आप 360 से भाग दोगे। अगर सम संख्या में आए
तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, और विषम में आए तो कोई माइनस नहीं होगा, वही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर की से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो आपके ऑप्शन है दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ताल का रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा दूरदृष्टि। दूरदृष्टि में आपको जो दूर की वस्तुओं स्पष्ट तो दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनी किरणों का विच्छेदन करता है? आपके ऑप्शन सोडा कांच, पायरेक्स कांच, कुकस कांच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कुकस कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो आपके ऑप्शन है कांच से, निर्वात से, जल से, या वायु से। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा कांच से जाने पर वह उसकी जो गति है वो सबसे धीमी हो जाती है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो आपके ऑप्शन है व्यतिकरण से, प्रकाश वैद्युतिक प्रभाव से, विवर्तन से, या ध्रुवीकरण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो प्रकाश वैद्युतिक प्रभाव से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है सल्फर, सिलिनियम, ब्रोमीन, या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सिलिनियम है वह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो इसका जो राइट जो ऑप्शन है तापमान, दाब, धैर्य, या अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो दाब, दाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यधिक भाग है? क्या बुलाने की घंटी, पंखा, या धुलाई मशीन, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जो उपयोग सभी में जो चुंबक का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मंदक, शीतलक, या परिरक्षक, या नियंत्रक। तो जो आपको राइट आंसर होगा वह होगा मंदक, मंदक के रूप में की जाती है। तो ये थे आज के जो कंप्लीट सीरीज, जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। और जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आई डॉट पर जाकर देख लो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं।